वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, से आपको वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन सही समय मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहां पे अवेलेबल है, इसको भी ज्वाइन कर लें, इससे कि आपको बाद में भी नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलती तो आप वीडियो वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपका जो प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हुए, ठीक है, और काफी ज्यादा कमेंट और मैसेज इस कारण से हमारे व्हाट्सएप पे पड़े, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हैं कि क्या प्रैक्टिकल में फेल भी होते हैं। तो बिल्कुल 100% इसमें जो है बच्चे फेल भी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कॉपी जो मिलेगी A4 साइज पेपर की जो होती है, फोटो कॉपी वाली ब्लैंक, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। होगा ग्रुप बना के 5 से 10 बच्चों को एक ग्रुप में बुलाया जाएगा और उनका फिर एक एग्जामिनर होंगे। यहाँ पे इस प्रकार से मेज लगी होगी और सामने आपको बैठा के और वहाँ पे आपका वाइवा लिया जाएगा और बेसिक से क्वेश्चन वहाँ पे जो है पुटअप किए जाते हैं और फेल इसमें होते हैं। इसलिए आप जो क्वेश्चन आंसर लिखे उनको अच्छे से लिखे पूरी कॉपी में। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आपको कॉपी मिले और कितना लिखना है वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का तो एक ही पेज में खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप सेकेंड पेज का भी यूज करेंगे वहाँ पे। और लैंग्वेज के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे इंग्लिश, जो कि बेस्ट हमारे पास रहेगी, और इसी को आपको जो यहाँ पे लिखेंगे उसी को आपको स्क्रीन पे जो है यहाँ पे रन भी करा के दिखाना पड़ता है। तो सिंपल सा है, ये चीजें आपको इसमें करनी है। ठीक है, फेल जरूर होते हैं और पास भी होते हैं, रेशियोज अगर हम बात करें 90% लगभग होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें फेल होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि आपसे फीस भी कलेक्ट की जा रही है, 500 रुपये 1000 रुपये प्रैक्टिकल के लिए हो सकता है, कहीं पे आपको मांगे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, और काफी बच्चे पूछ रहे हैं कितने पेज का लिखना होगा, ठीक है, और प्रैक्टिकल में कितने पेज लिखने होते हैं, पास हो जाएंगे कि नहीं या इंग्लिश में लिखें, ये सारे चीज़ें इनको डाउट्स हैं। तो मैं आपको बता दें ऑलरेडी, इंग्लिश में आप लिखें और पेज के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो एक पेज का आप लिख दें, नहीं तो उसको सेकंड पेज में भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 पेज का उसका आंसर कंप्लीट करें। तो चलिए वाइवा पे आते हैं और हम सबसे पहले बेसिक वाइवा की बात करेंगे, जो कि हमारा बनता है किससे, जो कि आपका जनरल फंडामेंटल आपका आपके कंप्यूटर का है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, सिंपल सा आपको इनपुट इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के नाम पता होने चाहिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम या 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम या सिर्फ इनपुट डिवाइसेस के नाम या फिर आउटपुट डिवाइसेस के नाम आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, नन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कौन कौन से होते हैं या इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पे हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बेसिक सा, और यहाँ पे रैम के कितने टाइप के प्रकार होते हैं, रोम कितने प्रकार की होती है, बेसिक जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे स्टोरेज है, स्पीड है, प्रोसेसिंग एक्यूरेसी आपका जो होता है यूनिट होता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट वो आपका क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें पता होना चाहिए। जैसे कि यह है इसका चार्ट कि कंप्यूटर का सीपीयू यूनिट आपका क्या क्या कौन कौन से पार्ट उसमें यूज होते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज क्लास, मेमोरी यूनिट, ALU, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होती है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के भी पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कितने प्रकार के, जैसे कि डिजिटल्स हो गया हमारे पास, ठीक है, और मेन फ्रेम हो गया, इस प्रकार से हाइब्रिड हो गया, और तमाम जो बेसिक जो होते हैं और आपका जो इसमें पर्सनल कंप्यूटर उसको हम लोग यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम, सुपर, ये सारी चीज़ें इसके नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिक से फुल फॉर्म, फॉर्मुलेज और शॉर्टकट कीज़, ये तो आपको जानी ही पड़ेगी। ठीक है, और जैसे कि बेसिक का डिफरेंट हो अगर पूछें, कंपाइलर आपका क्या होता है, इंटरप्रेटर आपका क्या होता है, ठीक है, और एनालॉग डिजिटल में क्या अंतर है, ये बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, और अगर देखें तो इसमें फिर आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के नाम आ जाते हैं, मेमोरी स्टोरेज कितनी होती है, जैसे कि 1 KB में कितने होते हैं, 1 MB में कितने होते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में कराए गए थे, 1 GB में कितने होते हैं, ठीक है, और बाइट्स में कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपको बेसिक से पता होनी चाहिए, कितने कितने किसकी स्टोरेज होती है, रैम की और हार्ड डिस्क की, CD-ROM की, फ्लॉपी डिस्क की, इनकी मेमोरी यूनिट, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली आती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट है, बेसिक ये सारी चीज़ें। वाइवा में तो देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, एक तरह से आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे, ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन है और एक, ठीक है, तो इस पार्ट से तो इस यही बेसिक से क्वेश्चन आपके हो गए, बेसिक वाले जो मैंने बता दिए, आपका कैश मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम आपकी, रोम, CPU यूनिट, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ये बेसिक से क्वेश्चन एक एक लाइन में आपको इनके आंसर देने होते हैं। कुछ नहीं, आपकी बाइनरी की संख्या कितनी होती है तो आप बता सकते हैं 0 और 1, ठीक है, 2 बाइनरी डिजिट आपके होते हैं, और आपका इसमें यूनिट कन्वर्जन आपका पूछा जा सकता है, और
और बेसिकली इसमें यही है, बाकी तो फिर आपका जो आ जाएगा एमएस ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस ले लेंगे तो उसमें हम बात करें तो एमएस ऑफिस की जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उसमें यूज होते हैं, और शॉर्टकट की जितने भी होते हैं फॉर्मूले आपके यूज होते हैं वो आपको इसमें पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सेल के फॉर्मूले हो गए और आपके वर्ड के जो शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल सी क्या होता है, कंट्रोल वी क्या होता है, ठीक है, बेसिक चीजें, कंट्रोल पी क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स का कहाँ यूज होते हैं, कंट्रोल ए का यूज कहाँ होता है, ये बेसिक चीजें, और विंडोज के साथ और कौन से की यूज करते हैं, और जो वो किस शॉर्टकट कीज होती है बेसिक सी विंडोज की, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स वाले फंडामेंटल में आपसे पूछी जा सकती है। बेसिकली हर बार इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब करके आते हैं तो वो बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किए गए थे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पूरी पीडीएफ है, इसको अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, बेसिक चीजें आपको पता होने चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, जो आपसे वहाँ पे पुटअप की जा सकती है। बाकी अभी जो आपका सिलेबस है वो लेटेस्ट वाला है, तो उसमें आपको इसकी भीम ऐप आपकी क्या होती है, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आपकी डिजिटल बैंकिंग आपकी क्या है, आपका वो आपका क्या नाम है, IFSC हो गया आपका, ये क्या चीज है, ठीक है, NEFT आपका ट्रांसफर, RTGS, ये जो बैंकिंग के क्वेश्चन आपके दिए हुए लास्ट पार्ट में, उससे डिजिटल लॉकर आपका, उमंग ऐप आपकी, ये सारी चीजें इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट वन का बेसिक्स, जो वाइबल क्वेश्चन इतने ही इसमें पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे पास आता है एचटीएमएल। अब एचटीएमएल से अगर कुछ प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो भी समझ लेते हैं, तो कुछ नहीं है, एचटीएमएल आपका बहुत बेसिक है। सबसे पहले जो आपका ये, जैसे कि देखिए हमने पूरे यहाँ पे एक पीडीएफ ही तैयार कर दिया आपके इंटरव्यू के लिए भी, और साथ ही वाइवा के क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आते हो तो हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपका एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म, तो आपका जो इंटरनेट है इसमें सबसे ज्यादा फुल फॉर्म होंगे आपके, जैसे कि एचटीएमएल हो गया, ठीक है, और एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, जितने भी फुल फॉर्म्स हैं ये आपको सारे पता होने चाहिए बेसिक में, कम से कम 50 से 60 फुल फॉर्म इसमें तैयार कर ले। अब HTML इसे आपके शॉर्ट में बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको कि हम लोग डिजाइनिंग और डिस्प्ले में यूज करते हैं वेब पेजों को बनाने के लिए, ठीक है। इसका जो टैग होता है हम किससे स्टार्ट करते हैं, वो हम HTML से एंड करते हैं, HTML से स्टार्ट करते हैं। तो ये सही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, कि आपका जो HTML में एंड टैग कौन सा होता है, तो एंड टैग इसमें देखिए, विच HTML टैग डोंट हैव एंड टैग, किसमें एंड टैग नहीं होता है। तो देखिए बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे कि अगर हमको लाइन को ब्रेक करना है तो हम सिर्फ BR लिख के उसको ब्रेक कर देते हैं, इसमें एंड टैग नहीं लगाते हैं, इस प्रकार से हम इसमें हम BR इस प्रकार से क्लोज नहीं करते हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। सिर्फ ये होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, किसी लाइन को ब्रेक करना है तो ये एंड टैग इसमें नहीं होता है, BR में नहीं होता है, HR में आपको हॉरिजेंटल लाइन खींचनी इस प्रकार से तो भी नहीं होगा, इनपुट के बाद भी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, इमेज के साथ टैग भी, ये जितने भी टैग हैं इसमें एंड टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए बेसिक सा। और आते हैं नीचे, व्हाट डू यू मीन बाई HTML टैग, HTML का मेन टैग का बेसिकली क्या होता है, तो HTML टैग हम लोग यूज करते हैं यूजिंग फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। एंड ओपनिंग टैग जो होते हैं और कंटेंट और क्लोजिंग टैग कौन 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 से होते हैं, तो सम टैग डर नॉट हैव क्लोजिंग टैग, जो कि हमने बताया इसमें कुछ आपके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं, जैसे कि ये देखिए टैग इसको हम लगाए, ये आपका क्लोजिंग टैग का एग्जाम्पल है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ हेडिंग दिए तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि HTML में कितनी बेसिकली बेसिक हेडिंग्स होती हैं, तो आप बता सकते हैं 6 हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3, H6 तक आपकी पूरी हेडिंग चलती है, ठीक है, जो कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में आप इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है हाउ डिफरेंशिएट HTML एलिमेंट और HTML टैग। अब HTML एलिमेंट और यहाँ पर टैग क्या है, वेन वी फ्रॉम HTML टैग, जब HTML टैग को देखते हैं तो उसमें आपका इनक्लोज ब्रैकेट आपका लगा होता है, ठीक है, और HTML एलिमेंट आर यूज टू कम्युनिकेट विद ए ब्राउजर से आपका ये रीड करता है इसको, ठीक है। मोस्ट ऑफ HTML टैग जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और दे आर कवर टेक्स्ट को वो कवर करते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। इसी प्रकार क्वेश्चन, जैसे कि डिस्क्राइब सिमेंटिक HTML, सिमेंटिक HTML में जैसे कि एक से जुड़े हुए जो कि आपको कुछ डिजाइन वहां पे बनाकर देंगे, जैसे कि बी लगाया तो बोल्ड हो जाएगा, आई लगाया तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लगाया तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ईएम टैग का यूज, तो ये आपके कुछ सिमेंटिक HTML टैग्स आपके कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इमेज टैग, तो इमेज इमेज मैप के लिए हम मैप टैग का यूज करेंगे, ठीक है। हाउ वी क्रिएट नेस्टेड वेबसाइट वेब पेज इन HTML, अगर आपको नेस्टेड वेब पेज बनाना है उसके लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया वी कैन यूज आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग का यहाँ पे यूज किया जाएगा जब हमको बनाना है कोई नेस्टेड वेब पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हो गया फिगर आई फ्रेम, और जहां से आपका इमेज लिया गया उसका यूआरएल यहाँ पे ऐड करके ऐसे
बनेगा। तो ऐसे से बेसिक से क्वेश्चन था, ये काफी एडवांस हमने बता दिया और इससे बेसिक्स में, ठीक है। अब हेडिंग टैग कब यूज की जाती है, बॉडी टैग को कहाँ यूज करते हैं, टाइटल टैग को कहाँ पे यूज करते हैं, ये बेसिक सी चीजें आपसे वहां पे पुट अप की जा सकती हैं। इसी प्रकार से बैकग्राउंड को लगाने के लिए कौन सा यूज करते हैं टैग, इमेज लगाने के, यूआरएल लगाने के लिए एंकर टैग क्या होते हैं, ये सारी चीजें बेसिक से क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे। तमाम सारे हैं इसमें, हमने लिख दिए हैं बेसिक से, लेकिन हम आपको जो बताते जा रहे हैं उतना आप हमें तैयार कर लें, ठीक है। हाउ टू सेट इमेज अ बैकग्राउंड, अगर आपको इमेज बैकग्राउंड में यूज करना है तो बॉडी बैकग्राउंड इस प्रकार से इमेज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब यू अब स्पैन टैग का यूज कहाँ करते हैं, तो इसको हम स्पैन टैग का हाईलाइट एनी कलर को हाईलाइट करने के लिए, फॉर एडिंग बैकग्राउंड में स्पेसिफिक टैग को, और फॉर एडिंग कलर फॉर स्पेसिफिक टैग किसी एक पैराग्राफ में या किसी एक वर्ड में स्पेसिफिक कलर देने के लिए स्पैन टैग का यहाँ पे यूज किया। जैसे कि स्पैन लिखा हमने स्टाइल और कलर का कोड यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये आप वहां बता सकते हैं। उसी प्रकार से विच ऑडियो टैग इज सपोर्टेड इन एचटीएमएल 5, एचटीएमएल 5 आपके टॉपिक में मान ली पूछे एचटीएमएल 5 में कौन सी ऑडियो सपोर्ट करता है, तो MP3, वेब और OGG आपकी फाइलें वो सपोर्ट करता है। उसको ऐड करने के लिए हम लिखते हैं ऑडियो कंट्रोल और सोर्स कोड लगाते हैं और ऑडियो सेस को ही हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एचटीएमएल 5 का थोड़ा टॉपिक। इसी प्रकार से CSS के हो जाएंगे, तो CSS में कितनी प्रॉपर्टीज होती है, उसका जो सिलेबस है पूरा अवेलेबल है, उस सिलेबस से जो बेसिक बेसिक पार्ट है जो हेडिंग में दिए गए उतना आप इसमें तैयार करके चले जाए, उसी हिसाब पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग से ये पूछा जा सकता, हो सकता है कि आपका इसमें से कुछ पूछा ही ना जाए, कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाए जो लेटेस्ट GS में आपकी चल रही है, तो वो भी आपकी इसमें पुटअप की जा सकती है। व्हाट इज द डेटा लिंक टैग आपके कौन से होते हैं, तो HTML में डेटा लिंक टैग भी काफी बड़ा है, इसको आप ध्यान ना दें, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बेसिक था HTML का वो यही था, ठीक है, कैसे बॉडी टैग लगानी है, कैसे HTML, कैसे हेडिंग टैग या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्लोजिंग टैग आपके कौन कौन से होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग, URL लगाना है, इमेज ऐड करना है, ठीक है, ये बेसिक चीजें सारी आपको बताई गई हैं HTML की क्लासेस में, वो लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे चले जाएं। जो HTML की क्लास हमने आपको दी थी फ्री वाली होगी मेरे मान से, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको हेल्पफुल इसमें रहेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, तो यहीं पे कहीं पे आपकी क्लास अवेलेबल है M2 पूरी, जिसमें करीबन हाँ ये है आपकी, ठीक है, वेब की कंप्लीट करीब 27 वीडियो, इसको देख लेंगे तो आपका HTML का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और साथ ही आपका वाइवा भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करेंगे इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बताएं। बाकी जब आपको वाइवा के जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनको याद रखें या कहीं नोट कर लें, आफ्टर आपके प्रैक्टिकल के बाद आप हमको 7006594 85 पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए या पेपर आपके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए तो उसकी PDF हमको सेंड करें, और जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप करें, जिससे कि हम और आगे आपके फ्यूचर के लिए और आने वाले बच्चों के लिए वो वीडियोस हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वाइवा क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको कहीं नोट करके प्लीज आप हमको बताएं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इतने ही बेसिक से पढ़ के चले हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, बाकी आपका जो है सब कुछ हो जाएगा, 90% के ऊपर बच्चे जो है इसमें पास हो जाते हैं, फेल भी होते हैं तो आपको फिर दोबारा उसके लिए पेमेंट करके आप नेक्स्ट ईयर फिर से प्रैक्टिकल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।